गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इन टुडेज क्लास वी हैव टू गो फॉर सॉल्विंग रिकरेंसेस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो एज फार एज सॉल्विंग रिकरेंसेस इज कंसर्न, वी हैव वेरियस मेथड्स। इन मेथड्स में है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड, मास्टर थ्योरम, इटरेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, रिकर्सन फ्री मेथड एंड चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड्स। ऐसे टोटल छः मेथड्स हमारे पास है। ये छः मेथड्स में से तीन मेथड्स हमने प्रीवियस क्लासेस में कवर किए, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड हमने पढ़ा है, मास्टर थ्योरम हमने पढ़ा है, और उसके बाद इटरेशन मेथड देखा है। आज की क्लास में हम जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके रिकरेंसेस को कैसे सॉल्व कर। तो हियर वी हैव वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है? तो इन दिस मेथड वी स्टार्ट विद द गेस ऑफ अ सॉल्यूशन एंड देन we will try to prove it by the method of induction. So basically अभी तक के जितने methods हमने पढ़े हैं, जो तीन methods पढ़े थे, चाहे वो characteristic equation method हो, recursion tree method हो, या फिर recursion tree method ने देखा iteration method हो, या फिर master theorem हो, ये तीनों methods में हमने कि solution guess करने वाला concept नहीं देखा था। वहाँ पे हमारे पास एक initial recurrence दिया हुआ रहता था, और उस initial recurrence से forward approach में हम starting अप्लाई करते थे, और फॉरवर्ड अप्रोच से स्टार्ट करते हुए कहीं ना कहीं गोल स्टेट तक के पहुंचते थे। यानी हमारा अल्टीमेट रिकर्सन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, इस तरह के कोई गेसेस हमने परफॉर्म नहीं किए थे। चाहे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड की बात करेंगे, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें अप्लाई करना पड़ता था, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करते हो ऑर्डर फाइंड आउट करना, रूट फाइंड आउट करना, फिर बाद में जनरलाइज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और बाद में कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना, इस तरह के अलग अलग स्टेप्स देखे, जहाँ पे कहीं पर भी सॉल्यूशन गेस करने वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा था। इटरेशन मेथड की अगर हम बात करते, तो इटरेशन मेथड में गिवन रिकरेंस को हम एक्सपांड करते चले थे बाय द मेथड ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन, और रिकरेंस जो दिया हुआ था उसका जनरलाइज फॉर्मेट बनाने की कोशिश करते थे। एंड वंस वी विल गेट द जनरलाइज फॉर्मेट ऑफ अ गिवन रिकरेंस, फिर बाद में हमने उस रिकरेंस को सॉल्व किया था। मास्टर थ्योरम में जो भी गिवन रिकरेंस आपके पास रहता था, वो रिकरेंस लॉगरिथमिक रिकरेंस है या नहीं ये चेक करते थे, और उसके बाद में बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कौन सा एप्रोप्रिएट केस एप्लीकेबल रहेगा वो फाइंड आउट करते थे, और कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते थे। तो ये तीनों मेथड्स में हमने कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई रिकर्सन रिलेशन दिया है, तो उस रिकर्सन रिलेशन का सोल्यूशन क्या होगा उसके गेस परफॉर्म करने वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं देखा। बट सब्स्टिट्यूशन मेथड में वर्किंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कभी भी आपको कोई रिकरेंस दिया हुआ है, तो उस रिकरेंस का एक सॉल्यूशन आपको गेस करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन गेस करने के बाद में फिर आपको बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रिकरेंस के लिए सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन गेस कर लो। तो जब कभी भी आप कोई सॉल्यूशन गेस करोगे, तो सॉल्यूशन गेस करने के बाद दो आउटकम हो सकते हैं। वाकई में वो वाला सॉल्यूशन अगर आपके रिकरेंस का एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन अगर है, तो फिर आप उस चीज को प्रूव कर पाएंगे। बट अगर आपका रिकरेंस कुछ अलग है, और उस रिकरेंस के लिए आपने जिस सॉल्यूशन को गेस किया है अगर वो गलत है, तो फिर आप चाह कर भी उस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम कोई रिकरेंस सॉल्व करते, तो वो रिकरेंस सॉल्व करते वक्त हम कौन सा सॉल्यूशन गेस कर रहे हैं, इस पर काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। तो अगर हम सही सॉल्यूशन गेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको प्रूव कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने सही सॉल्यूशन प्रूव नहीं किया है, तो ये हो सकता है कि हमारा गेस किया हुआ सॉल्यूशन गलत रहेगा, और गेस किया हुआ सॉल्यूशन अगर गलत रहेगा, तो फिर उसे हम प्रूव नहीं कर पाएंगे। बट अगर रिकरेंस दिया है, और अगर आप उसको सही सॉल्यूशन गेस कर रहे हैं, तो सही सॉल्यूशन गेस करने के बाद आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करना है। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल अप्लाई करना है, इसका मतलब आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल पता होगा। जनरली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन को गेस करते हैं, और उस सॉल्यूशन को गेस करने के बाद वो वाला सॉल्यूशन वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज फुलफिल कर पा रहा है, यानी ये चेक करते हैं। अगर सारे के सारे प्रॉपर्टीज वो फुलफिल कर पा रहा है, तो फिर हम समझेंगे कि हमने जो सॉल्यूशन गेस किया था वो सही सॉल्यूशन है, और अगर वो सही सॉल्यूशन है, तो फिर हमने जो भी गेस किया था दैट विल बी द करेक्ट सॉल्यूशन, और फिर उसको उस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी करके हम डिक्लेयर करेंगे। तो दिस इज व्हाट द वर्किंग फंडामेंटल ऑफ सॉल्विंग रिकरेंसेस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सारी चीजों को हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया हुआ है।
और इसी तरह का प्रॉब्लम आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है। तो जब कभी भी सॉल्विंग रिकरेंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला अगर आपको प्रॉब्लम दिया है तो उसका प्रॉब्लम डेफिनेशन कुछ इस तरह का रहेगा। देखिए, सपोज ए रिकरेंस रिलेशन इज गिवन एज पी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाई टू प्लस एन, देन सो दैट इट इज असिम्प्टोटिकली बाउंड बाय ओमेगा ऑफ एन लॉग एन। तो अभी तक के हमने ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखा था। जनरली रिकरेंस तो दिया हुआ रहता था, लेकिन उस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी प्रूव करो ऐसा सवाल हमने नहीं देखा था। सिंपल सिंपल सवाल हमको आता था कि एक रिकरेंस दिया हुआ रहता था और बोला जाता था कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई करो, फिर उसके लिए चाहे मेथड स्पेसिफाई की भी हो सकती थी या फिर मेथड स्पेसिफाई किया हुआ नहीं रहेगा। अगर मेथड स्पेसिफाई किया है तो आपको स्पेसिफाइड मेथड से ही उस रिकरेंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक रिकरेंस भी दिया और बोला गया है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ एन लॉग एन है या असिम्प्टोटिकली प्रूव करो। इसका मतलब हमने क्या सॉल्यूशन गेस करना ये हमको दिया हुआ है। तो जब कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल या इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो यहाँ से हमको ये समझना है कि इस पर्टिकुलर रिकरेंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। व्हाई? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी रिकरेंस को जब कभी भी हमें सॉल्व करना होता है तो हमको प्रॉब्लम भी लगता है और उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन भी लगता है। यहाँ पे दोनों चीजें दी है, आपको उसे प्रॉब्लम भी दिया और उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया है। व्हाट वी हैव टू डू, जिस सॉल्यूशन को आपको गेस करना है वो सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। तो हियर आपका जो सॉल्यूशन है वो है ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, और इस ओमेगा ऑफ एन लॉग एन को आपको अज्यूम करना है। अज्यूम करने के बाद फिर आपको प्रूव करना है कि वाकई में जो गिवन रिकरेंस आपको दिया है टी ऑफ एन इज इक्वल टू ट्वाइस टी एन बाय टू प्लस एन, इस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ एन लॉग एन सही है। आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी। तो हियर वी हैव सॉल्यूशन, given recurrence is t of n is equals to twice t n by 2 plus n, given recurrence. Now we assume that t of n is equals to omega of n log n, therefore we have to prove that t of n is greater than equals to c n log n, where c is a constant. So now we have to understand this particular term. अब हमें जो दिया हुआ है वो है कि t of n जो है वो twice t n by 2 plus n, ये given recurrence है, और we have to assume that t of n is equals to omega of n log n, ये भी हमें दिया है। तो ये equation one and equation two, ये दोनों की दोनों चीजें आपके problem में दी हुई है। अभी हमने एक नया statement लिखा है, statement है therefore we have to prove that t of n is greater than equals to c n log n, where c is constant. अब ये particular term हमने कहाँ से लिखा, वो अगर आप equation two को carefully देखते तो equation two क्या है, t of n is equals to omega of n log n, इसी चीज को मैंने इस तरह से लिखा है टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन। तो इक्वेशन टू और ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट, इसको अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जहां कहीं भी ओमेगा लिखा हुआ है उस ओमेगा को मैंने इस तरीके से लिखा है। ओमेगा है इसलिए मैंने क्या किया है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और सी, ये तीन चीजें ऐड की है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर ओमेगा को हमने रिप्लेस किया है ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन इससे। अब इसका मतलब क्या है, तो बेसिकली हमको किसी पर्टिकुलर रिकरेंस को प्रूव करना है असिम्प्टोटिकली, और असिम्प्टोटिकली प्रूव अगर करना है तो असिम्प्टोटिक टोटल फाइव नोटेशंस हमारे पास होते हैं। तो असिम्प्टोटिक नोटेशंस होते हैं बिग ओ नोटेशंस, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ नोटेशन एंड स्मॉल ओमेगा नोटेशन, और ये पांचों असिम्प्टोटिक नोटेशन के हिसाब से किसी पर्टिकुलर रिकरेंस को आपको प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जिस किसी रिकरेंस को सॉल्व करना और उसको असिम्प्टोटिक बाउंड अगर आपको दिया है तो फिर आपको असिम्प्टोटिक बाउंड क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो हम आने वाले क्लासेस में असिम्प्टोटिक बाउंड्स क्या होते हैं वो देखेंगे, बट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि ओमेगा एक असिम्प्टोटिक नोटेशन है, और ओमेगा असिम्प्टोटिक नोटेशन को जनरली हम लोअर बाउंड कहते हैं। बेसिक नोटेशन हमारे तीन है, ओमेगा है, बिग ओ है एंड थीटा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोअर बाउंड, बिग ओ नोटेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम अपर बाउंड, वेयरएज थीटा नोटेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम टाइट बाउंड। तो जब कभी भी हमें प्रूव करना है कि टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, तो ओमेगा हमारा अपर लोअर बाउंड होने की वजह से
पी ऑफ एन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी रहेगी और कम से कम कितनी रहेगी, इस पे बाउंस है। तो ओमेगा नोटेशन में क्या होता है कि आपका जो रिकरेंस है टी ऑफ एन, ये टी ऑफ एन की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए वो दिया हुआ है कि टी ऑफ एन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन सी एन लॉग एन। क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या है, हमारा एक असिम्प्टोटिक नोटेशन है, और असिम्प्टोटिक नोटेशन में ओमेगा में क्या होता है, ओमेगा में रिकरेंस की कम से कम वैल्यू कितनी रहेगी इस पे लिमिट होता है, ज्यादा से ज्यादा ये कितना भी हो सकता है, और कम से कम वैल्यू कितनी रहेगी इस पे बाउंड होता है, इसलिए हम इसको लोअर बाउंड कहते हैं। तो जब हमें बोला है कि गिवन रिकरेंस को टी ऑफ एन इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ एन लॉग एन है, इतना प्रूव करना अगर है, ऐसा अगर हमको बोला है, तो हम हमेशा ओमेगा की जगह लिखेंगे। यहाँ भी दिया है कि दिस इज हॉट ओमेगा, और जब कभी भी यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा जब जब दिखेगा तब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा की जगह टी ऑफ एन को ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी एन लॉग एन, यानी एक नया कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे एक नया कांस्टेंट सी इंट्रोड्यूस किया, और जब कभी भी इस ओमेगा को हटाएंगे तो ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। सपोज यहाँ पे ओमेगा नहीं होता, ओमेगा की जगह अगर हमें बिग ओ दिया हुआ होता, तो मैंने बोला है बिग ओ का मतलब होता है कि इट इज अपर बाउंड, और अपर बाउंड रहेगा इसका मतलब टी ऑफ एन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी रहेगी इस पे बाउंड है, कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए इस पे कोई बाउंड नहीं रहेगा। तो जब यहाँ पे बिग ओ रहेगा तो बिग ओ के वक्त हम यहाँ पे लिखेंगे टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन। अब पर्टिकुलरली हमारे प्रॉब्लम में मैं जो चीजें बोल रहा हूँ, जब मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस की क्लास आपको आगे चल के लूंगा तो वहां पे ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आने वाले क्लासेस में हम देखने वाले कि हमारे अलग अलग असिम्प्टोटिक नोटेशंस कैसे हैं, और अलग अलग असिम्प्टोटिक नोटेशंस के हिसाब से अपर बाउंड, टाइट बाउंड या लोअर बाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बट कि आज की क्लास हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहीं ना कहीं असिम्प्टोटिक नोटेशन हमें यूज करना पड़ता है, इसलिए असिम्प्टोटिक नोटेशन का मीनिंग क्या है, असिम्प्टोटिक नोटेशन को बाउंड क्यों बोलते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना हमको जरूरी है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब कभी भी हमारे पास यहाँ पे बिग ओमेगा आ रहा है तो बिग ओमेगा का मतलब हमें लिखना पड़ेगा टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन हमारा गिवन इक्वेशन था, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू जो हमारा सोल्यूशन दिया हुआ था वो सोल्यूशन, और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हमने असिम्प्टोटिक नोटेशन के फॉर्म से हटा के कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखा, और कॉन्स्टेंट के फॉर्म में लिखते वक्त हमने लिखा कि टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी एन लॉग एन, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। फॉर ओमेगा नोटेशन एफ ऑफ एन इज असिम्प्टोटिकली बाउंडेड बाय लोअर बाउंड, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो जब जब ओमेगा आएगा तो ओमेगा के लिए आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऐसा लिखना पड़ेगा, जब यहाँ पे बिग ओ रहेगा तो टी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी ऐसा लिखना पड़ेगा, वेयर एज जब थीटा नोटेशन होता है तो थीटा नोटेशन में टी ऑफ एन जो होता है वो सी एन लॉग एन से, सी एन लॉग एन टी ऑफ एन जो होता है ये सी वन एन लॉग एन और सी टू एन लॉग एन, ऐसे दोनों के बीच का एक बाउंडेड वैल्यू होता है। तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, बट एज फार एज टूडेज क्लास इज कंसर्न आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब कभी भी हमको ओमेगा मिलेगा तो उस ओमेगा को हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी, व्हाई, बिकॉज इट इज अ लोअर बाउंड। देन नेक्स्ट, नाउ गिवन रिकरेंस इज टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी एन बाय टू प्लस एन, दिस इज व्हाट आवर इक्वेशन वन, बट वी अज्यूम दैट टी ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, और अभी हमको प्रूव करना है कि टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन, एंड देयरफॉर व्हाट वी हैव टू डू, whatever equation 2 we have, now we have to perform the substitution using equation 2 to come to t of n by 2. So, abhi aap dekh sakte hain ki equation 1 hamara given recurrence tha aur equation 2 jo hai wo humne assume kiya hua solution tha. To ye assume kiya hua solution jo hai, is assume kiye hue solution ko hum equation 1 mein substitute karenge, lekin kis cheez ke liye, in order to come to t of n by 2. Aur हमने जिस सॉल्यूशन को अज्यूम किया है उस सॉल्यूशन को ही हम गिवन रिकरेंस में सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ड्यू टू दिस मैकेनिज्म दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी क्या, एक रिकरेंस, एक प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है,
जिसको हमें गेस करना है। तो गेस किया हुआ सॉल्यूशन जो है, उस गेस किए हुए सॉल्यूशन को हमारे ओरिजिनल रिकरेंस में राइट हैंड साइड में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो गिवन रिकरेंस हमारा इक्वेशन वन था, हमने जिस सॉल्यूशन को अज्यूम किया वो हमारा इक्वेशन टू है, और इस अज्यूम किए सॉल्यूशन के हिसाब से टी ऑफ एन की वैल्यू ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, यानी टी ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एन लॉग एन, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम इक्वेशन वन में राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करें। बट राइट हैंड साइड में अगर आप इक्वेशन वन में अगर आप देखते हो तो आपको टी ऑफ एन नहीं दिखाई देगा, इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा टी ऑफ एन बाय टू। आपने जो सॉल्यूशन अज्यूम किया है दैट इज फॉर सी ऑफ एन, लेकिन अभी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को आपको टी ऑफ एन बाय टू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर टी ऑफ एन दिया है तो टी ऑफ एन के लिए ओमेगा ऑफ एन लॉग एन अगर है तो टी ऑफ एन बाय टू के लिए क्या होगा, टी ऑफ एन के लिए ओमेगा ऑफ एन लॉग एन, तो टी ऑफ ए के लिए क्या होगा, ओमेगा ऑफ ए लॉग ए, टी ऑफ बी के लिए क्या होगा, ओमेगा ऑफ बी लॉग बी। वैसे ही टी ऑफ एन बाय टू के लिए क्या होगा, T of n by 2 के लिए होगा ओमेगा ऑफ n by 2 into log n by 2, getting it? अब ये हो गया ओमेगा के लिए। अब हमको ओमेगा अगर हटाना है तो T of n by 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा अगर हम हटाते हैं तो मैंने बोला था कि जब कभी भी हम ओमेगा हटाएंगे और ओमेगा अगर लोअर बाउंड है तो ओमेगा हटाने की वजह से हमको ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ये पर्टिकुलर एडिशनल स्टेटमेंट्स वहां पे ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए अभी आपका t of n by 2 क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा t of n by 2 is greater than equals to c n by 2 into log n by 2। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू को अभी हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी आप यहां देख सकते हैं हमारे पास इक्वेशन 1 है, t of n is equals to twice t n by 2 plus n, और अभी t of n by 2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और t of n by 2 की वैल्यू होगी ओमेगा ऑफ n by 2 into log n by 2, और ओमेगा जब हटा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा t of n greater than equals to c n by 2 into log n by 2, वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो t of n by 2 will be equals to c n by 2 into log n by 2। तो this particular equation 3 we got, और ये equation 3 को अभी हमें equation 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस इक्वेशन 3 को अभी हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट नेक्स्ट इक्वेशन दैट विल बी इक्वेशन 4। तो अभी आप देख सकते हैं t ऑफ n इज इक्वल टू ट्वाइस t n by 2 plus n, हमारा गिवन रिकरेंस, गिवन सॉल्यूशन जो हमने अज्यूम किया था उसके बेसिस पे t ऑफ n by 2 की वैल्यू होगी t ऑफ n by 2 greater than equals to c n by 2 into log n by 2। इस पर्टिकुलर रिकरेंस को हमें इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, यानी इक्वेशन 1 में जो टी एन बाई टू है उस टी एन बाई टू की जगह ये पूरी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, और ये पूरी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन 1 बनेगा टी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस 2 इज देयर दैट्स व्हाई दिस 2 इनटू सी एन बाई टू लॉग एन बाई टू सी एन बाई टू लॉग एन बाई टू प्लस एन, यू गॉट दिस। तो इन दिस वे वी गॉट इक्वेशन नंबर 4, और यहाँ पे हमने ओनली सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म परफॉर्म किया है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रिकरेंस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे चल के इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया है यहाँ देख सकते हैं, तो केयरफुली ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर स्लाइड, टी ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस सी एन बाय टू इनटू लॉग एन बाय टू प्लस एन, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4 व्हिच वी गॉट। अब हमको क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिकरेंस को सॉल्व करना है, और इस पर्टिकुलर रिकरेंस को सॉल्व करते हो ये वाला जो 2 जो ब्रैकेट के बाहर था उसको हम अंदर लेके आए, और ये 2 किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओनली दिस पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसलिए पूरा टर्म क्या बन जाएगा, ट्वाइस सी एन बाई टू इंटू लॉग एन बाई टू और प्लस एन अलग रहेगा। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को, लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को नहीं फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करना, तो दिस पर्टिकुलर 2 विल गेट कैंसल्ड विद दिस 2, एंड देयरफॉर ये क्या बन जाएगा सी एन, तो सी एन log n by 2 plus 1 plus n। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, उस पूरा सॉल्व करते वक्त log n by 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, log n by 2 को हम लिख सकते हैं log n minus log 2, therefore now we got cn will be equals to log n
minus log 2 plus n. After that, we have to multiply this cn to both the terms. So first term ban jayega cn log n minus cn log 2 plus n. After that, we have to solve it. अब इसको अगर हम सॉल्व करते तो log 2 की वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते. log 2 का वैल्यू क्या होगा? log 2 द बेस्ट 2. अब log 2 द बेस्ट 2 का वैल्यू कितना होगा? 1. एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टर्म विल बिकम cn into log n minus cn, क्योंकि दिस cn विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस log n, इसलिए cn log n minus cn into log 2 plus n. और ये log 2 का वैल्यू जब हम 1 पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा cn log n minus cn into 1 plus 1. और cn into 1 का मतलब क्या होगा? only cn plus n, and this will be cn log n. तो अभी पूरा टर्म जो हमारे पास में है, ये पूरा टर्म है cn into log n minus cn plus 1. Now what we have to do in this particular recurrence, we have to substitute the value of c is equals to 1. अब c का वैल्यू 1 क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं? c का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करने का बेसिक रीजन ये है कि c की कम से कम वैल्यू हमको लेना है फिलहाल. और c की कम से कम वैल्यू कितनी होंगी? आप बोलोगे सर 0, 0 नहीं, नॉन जीरो वैल्यू लेना है, इंटीजर. नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू ऑफ c, नॉन जीरो इंटीजर वैल्यू ऑफ c क्या होगा? इंटीजर भी होना और नॉन जीरो भी होना, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी? 1. दैट्स व्हाई वी हैव सब्स्टिट्यूटेड c इज इक्वल्स टू 1 ओवर हियर. तो अभी c का वैल्यू हो गया 1. तो इक्वेशन बना 1 into n log n minus 1 into n plus n. अब इस रिकरेंस को पूरा सॉल्व करेंगे तो 1 into n log n क्या हो जाएगा? n log n minus 1 into n n. तो minus n and plus n will get cancelled and now we will get n into log n. तो अभी हमको यहाँ पे मिल रहा है t of n is greater than equals to n log n. तो हमारा जो पूरा इक्वेशन नंबर 4 था, t of n greater than equals to twice cn by 2 into log n by 2 plus n, इस रिकरेंस को सिंपलीफाई करके हमें रिकरेंस मिला t of n greater than equals to n into log n for c is equals to 1. Now we have t of n is equals to n log n for c is equals to 1. पर जब कभी भी हमें greater than sign हटाना है और c को भी हटाना है तो उस चीज को क्या लिख सकते हैं? omega. तो एक्चुअली हमने जिस चीज को अज्यूम किया था उस चीज के अजम्पशन के बेसिस पे हमने इस रिकरेंस को सॉल्व किया. तो इस रिकरेंस को सॉल्व करने के बाद हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला, हम जो चाहते थे वही चीज हमको मिल गई. इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो सही है, और हमने जो अज्यूम किया था वो सही है क्यों? क्योंकि हमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला. दैट्स व्हाई व्हाट एवर वी हैव मेड द गेस, दैट गेस इज 100% करेक्ट. And therefore now we can say that t of n is equals to omega of n log n, and therefore we can write henceforth. So getting it? So basically substitution method से कोई भी recurrence अगर आपको solve करना है, तो substitution method से recurrence solve करते वक्त simple सा fundamental आपको याद रखना है कि आपको एक recurrence दिया हुआ रहेगा और आपको एक solution भी दिया रहेगा. तो उस पर्टिकुलर रिकरेंस को इक्वेशन 1 बोलेंगे, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन 2 बोलेंगे. और उसके बाद इक्वेशन 2 में जो आपने सॉल्यूशन गेस परफॉर्म किया है उस गेस को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे आपके गिवन रिकरेंस में, और जो कोई भी नया रिकरेंस मिलेगा उस नए रिकरेंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. उस नए रिकरेंस को सॉल्व करने के बाद एट द एंड आपने जो कुछ भी अज्यूम किया था उस बेसिस पे अगर आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिल रहा है, तो देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि व्हाटएवर गेस वी हैव परफॉर्म दैट गेस इज करेक्ट, एंड देयरफॉर जो कोई भी हमने गेस परफॉर्म किया था दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन रिकरेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व एनी रिकरेंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिकरेंस सॉल्व करते हुए दो चीजें बहुत जरूरी है. पहला है कि आपका गिवन रिकरेंस, और सेकंड है कि आपके पास एक सॉल्यूशन होना चाहिए. तो जब कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा तब आपको दोनों चीजें दी हुई रहेंगी. आपको यहाँ पे ये इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि कोई रिकरेंस अगर दिया हुआ रहेगा तो फिर हम कौन सा सॉल्यूशन गेस करेंगे. नो, एज फार एज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इज कंसर्न, वन प्रॉब्लम विल बी गिवन टू यू एज वेल एज whatever the guess which you have to perform, वो भी आपको दिया हुआ रहेगा.
मीन्स रिकरेंस भी दिया हुआ रहेगा और उसका केस यानी जो भी आप अज्यूम करने वाले हैं सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ रहेगा. तो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. बट इन रियलिटी मान के चलो कि अगर आपके पास कोई रिकरेंस अगर दिया है और फिर बोला है कि उस रिकरेंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो फिर उस पर्टिकुलर रिकरेंस के लिए आप किस सॉल्यूशन को गेस करेंगे? यहाँ पे आर्ट लगेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट अ ट्रिक. जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे उतना आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आपको फिर आप पूरे ट्रेन हो जाएंगे कि भैया इस तरह का रिकरेंस आता है तो मुझे ये सॉल्यूशन वहां पे गेस करना है. बट अगर कोई न्यू कमर है जिसको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर रिकरेंस के लिए मैंने क्या गेस परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तो फिर बड़ी मशक्कत वाली बात करेगी. तो दैट्स व्हाई न्यू कमर अगर कोई है और नए टाइप का रिकरेंस को अगर वो सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होने वाली है. तो दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर किसी पर्टिकुलर रिकरेंस को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व करना ये टेक्निक नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, ये आर्ट होगा. तो इसलिए हमने पहले वाली क्लासेस में एक स्टेटमेंट पास किया था, वो स्टेटमेंट था सॉल्विंग रिकरेंस इज नॉट अ टेक्निक, इट इज एन आर्ट. तो वो वाला स्टेटमेंट पूरा का पूरा 100% सच साबित होता है अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं. तो दिस इज अबाउट हाउ टू सॉल्व अ रिकरेंस बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. एंड नाउ वी विल सी वन असाइनमेंट क्वेश्चन. So here I have given one assignment problem to you, which you have to solve by the method of substitution method. Question is, suppose a recurrence relation is given as t of n less than equals to twice c n by 2 into log n by 2 plus n, then so that t of n is less than equals to n log n for large enough c and n. Now identify the nature of the problem. मान के चलो कि ऐसा सवाल अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है तो इस पर्टिकुलर रिकरेंस को सॉल्व कैसे करेंगे. अब वो अलग बात है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंडर पढ़ रहे हैं, इसका इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं इस पर्टिकुलर रिकरेंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. बट थिंक अबाउट द सिचुएशन कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये सवाल आ गया. अब ये सवाल को देखो, आप सवाल पे फोकस अगर करेंगे या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम है सपोज ए रिकरेंस रिलेशन इज गिवन एज टी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू twice c n by 2 log n by 2 plus n, then so that t of n is less than equals to n log n for large enough c and n. तो यहाँ पे कहीं पर भी मेथड को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, इसलिए मैंने बोला है कि जब कभी कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया है तो नाउ इट इज अवर ड्यूटी और अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको समझना है कि उस प्रॉब्लम को देखते हुए हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है. अभी तक के प्रॉब्लम्स में हमने देखा था कि मेथड स्पेसिफाई किया हुआ रहता था. तो इस पर्टिकुलर नेचर का अगर कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे आपको एक रिकरेंस भी दिया है और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी दिया है, इसका मतलब यह है कि इस रिकरेंस को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी रिकरेंस को सॉल्व करने का वर्किंग प्रिंसिपल यह है कि आपको एक सॉल्यूशन को गेस करना है और उस सॉल्यूशन को गेस करते हुए उस रिकरेंस को गिवन रिकरेंस में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्या हमने जिस गेस को परफॉर्म किया था वो गेस वाकई में सही है. तो फॉर दैट यू हैव टू फर्दर सॉल्व द प्रॉब्लम एंड चेक फॉर वेदर यू आर गेटिंग एनी कॉन्ट्राडिक्शन और नॉट. इफ यू आर नॉट गेटिंग कॉन्ट्राडिक्शन यानी आपने जो अज्यूम किया था वो सही रहेगा. तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग प्रिंसिपल यूज करते हुए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट हाउ टू सॉल्व a recurrence by the method of substitution method. Thank you.